हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का चक्रव्यूह ब्रेकर चैनल में। बिहार 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और 20 तारीख को इसका रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन इसके फी स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी कंफ्यूजन था कि इसका फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा। कोई आइडिया नहीं मिल पा रहा था, कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था कि इसका फ़ी स्ट्रक्चर आखिर होगा कितना, क्योंकि ये कोर्स बिहार में पहला बार कंडक्ट हो रहा है, पहली बार इसकी शुरुआत हो रही है। लेकिन इसमें जो कॉलेज लिस्ट जारी किया गया है, जिन चारों कॉलेज का नाम दिया गया है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो चार कॉलेज हैं, बस चारों के चारों कॉलेज है बीआर अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के, ठीक है, दूसरे यूनिवर्सिटी के नहीं है। तो इसका फ़ी स्ट्रक्चर कितना होगा ये जानने के लिए मैंने वसुंधरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज सिलोट मुजफ्फरपुर के प्राचार्य महोदय से बात की, उनके प्रिंसिपल से बात की, तो उन्होंने मुझे फी स्ट्रक्चर के बारे में एक स्पष्ट जानकारी दी। साथ ही साथ मैंने शहीद प्रमोद बीर कॉलेज माधोपुर मुजफ्फरपुर जो है इनसे भी बात की, इन्होंने भी सेम जानकारी दी जैसा कि पहले प्राचार्य महोदय ने दी थी। तो आइए इसके फी स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं, चूँकि ये जानकारी बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल प्रमाणिक है, क्योंकि ये कॉलेज के प्राचार्य महोदय के द्वारा दिया गया है इंक्वायरी के दौरान। अब मैं इसके फ़ी पे आता हूँ, इसका फ़ी लगेगा कितना। इसका जो फ़ी बताया गया था वसुंधरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज सिलोट मुजफ्फरपुर, बातचीत के दौरान इन्होंने बताया कि इसका जो फ़ी हो जाएगा 75,000 रुपया सालाना होगा, 75,000 पर ईयर। और उन्होंने बताया कि 4 साल में इसका 3 लाख हो जाएगा, 3 लाख रुपया हो जाएगा, लेकिन आप सेमेस्टर वाइज भी इसको पे कर सकते हैं। जैसे कि 4 साल में 8 सेमेस्टर हो जाएगा, तो 37,500 रुपया करके आप सेमेस्टर वाइज पे कीजिए, या फिर सालाना 75,000 पे कर दीजिए। ये जैसे सुविधा अनुसार आप पे कर सकते, स्टूडेंट पे कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम माता सीता सुंदर कॉलेज ऑफ एजुकेशन मानिक चौक सीतामढ़ी, और एक कॉलेज 3 नंबर शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज माधोपुर मुजफ्फरपुर। ये इनके भी प्राचार्य महोदय से बातचीत हुई इंक्वायरी के दौरान, इन्होंने भी सेम चीज़ बताया, 75,000 रुपया पर ईयर लगेगा, लेकिन इन्होंने बताया कि आप सेमेस्टर वाइज पे नहीं कर सकते हैं, आपको सालाना 75,000, हर साल 75,000 रुपया पे करना पड़ेगा। इस कॉलेज में शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज माधोपुर मुजफ्फरपुर में सेमेस्टर वाइज फ़ी पे करने का प्रावधान नहीं है, वहाँ पे इस तरह से फ़ी पे नहीं किए जाते, तो 75,000 सालाना पे आपको करना पड़ेगा। और चौथा कॉलेज है बैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज ऑफ एजुकेशन लालगंज वैशाली, यानी कि मुजफ्फरपुर के दोनों कॉलेज के प्रिंसिपल सर से बात होने के बाद 75,000 रुपया सालाना, यानी कि 3 लाख रुपीज 4 साल में लग जाएंगे, ठीक है। मैंने उनसे पूछा था कि सर इतना ये काफ़ी ज़्यादा फ़ी है, तो उन्होंने बताया कि चारों कॉलेज जो हैं बीआर अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के हैं, चारों के चारों अफिलिएटेड कॉलेज हैं, चारों कॉलेज जो हैं अफिलिएटेड हैं, देख लीजिए यहाँ पे अफिलिएटेड कॉलेज है, ये गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, इसलिए इसका फ़ी जो होगा थोड़ा सा हाई होगा, गवर्नमेंट कॉलेज के अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि ये सारे के सारे कॉलेज जो हैं चारों कॉलेज सेल्फ फाइनेंस्ड हैं, इसमें गवर्नमेंट या फिर यूनिवर्सिटी इनको वित्तीय मामले में मदद नहीं करती है, तो सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेज है, यानी कि प्राइवेट कॉलेज है, इसलिए 75,000 रुपया सालाना पे करना पड़ेगा स्टूडेंट को, ठीक है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले इस चैनल के द्वारा आपको मिल रहा है। आशा करता हूँ इससे रिलेटेड, फीस रिलेटेड सारी जानकारियाँ आपको क्लियर हो गई होगी। अगला वीडियो मैं एडमिशन से रिलेटेड बनाऊंगा, तो आप इस चैनल को जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके। थैंक यू।